सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज एक बार फिर आपको एक HF नस्ल की एक गाय दिखा रहे हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताएं, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी भाई देश विदेश से हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको आगे भी एक से एक शानदार जो अच्छी मिल्क कैपेसिटी वाली गाय और भैंस है वो दिखाते रहें। आगे इस गाय के बारे में भाई से ज़्यादा डिटेल से पूछेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आपका? जितेंद्र भाई। गांव कौन सा है? रामबास। जिला? मंदरगढ़। आपकी तहसील कौन सी लगती है? कनीना। तो जो ये बछड़ी कैमरे के सामने है, ये कौन से ब्यात में भाई साहब? हार की भाई। फर्स्ट ब्यात में? हाँ जी। दांत कितने कर चुकी है? दो। तो अभी इसको जो डिलीवरी टाइम है, जो बच्चा देने में अभी कितना टाइम बाकी है? अच्छा, आप लेके आए हो, आपको फिक्स डेट पता नहीं? पता नहीं। तो एक बार इसको आप खोल के चला के दिखाओ भाई साहब। बात तो देखिए, काफी शानदार प्योर HF में मैं आपको पहले भी बता रहा था, जिस गाय में वाइटनेस थोड़ी ज्यादा होती है, वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वाइटनेस थोड़ी ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड है, वो यहाँ लोकल में ज़्यादा मानते हैं। तो काफ़ी शानदार हाइट और ऊंचाई, दो दांत में एज थोड़ी कम होती है, इसकी एज करीबन 2.5 साल के आसपास होनी चाहिए, दो दांत में इतनी ही एज होती है, काफ़ी जो कि कम एज में ये गाय बच्चा देती हैं। और इनकी जो मिल्क की कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और लगातार आपको अच्छे पशु दिखाने की जो मुहिम है, अभी भाई साहब को इसकी फिक्स डिलीवरी डेट पता नहीं है, बाकी अभी गाय है वो ऑर्डर को खोलने लगी, काफ़ी शांत स्वभाव की है, और जो थन है वो अभी फर्स्ट टाइम में थोड़ा सोजा होने के कारण है, वो थन छोटा दिखाई देता है, जब बाद में जब थन पे आएगी कंप्लीट तो काफ़ी अच्छा थन निकालेगी, और इसके जो हेड की बनावट है वो काफ़ी छोटी होती है। काफ़ी भाई ये बोल रहे हैं कि HF की गाय है उसके दूध से कैंसर होती है, तो विदेशों में इस गाय की इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ तो इस हिसाब से सभी बीमार ही होने चाहिए, क्योंकि अभी देसी गोवंश है, आगे हम आपको वो भी दिखाते रहेंगे, लेकिन किसी एनिमल के बारे में गलत कमेंट करने से पहले 5 से 10 बंदे हैं जो हमारे चैनल पर हैं फ्री, उनको कोई काम नहीं, वो सिर्फ गलत कमेंट करने के लिए ही हैं। तो भाई साहब, अभी इसको आप खाने में क्या दे रहे हो? भाई इसको गेवा का दलिया, बाजरा का दलिया, घी बाजरा का चून खाले निंदोड़ा, जो घी या तेल, अभी प्रेग्नेंट टाइम में तेल देते हो? हाँ तेल दे रहे हैं। कितना तेल देते हो डेली इसको? भाई इसको एक गिलास पहिया तेल के अंदर। अच्छा, पहिया तेल। बाकी इतनी कम एज में पहिया तेल भाई साहब थोड़ा ज़्यादा होता है, आप करीबन इसको पर डे 100 ग्राम तेल दीजिए, उसके बाद एक तो डिलीवरी में दिक्कत नहीं आती जो नॉर्मली होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमने अपने पशुओं पे भी चेक किया है, अगर हम पशु को तेल देते हैं तो एक तो बच्चे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो अभी इसका सेल का विचार है भाई साहब आपका? हाँ भाई साहब, सेल का विचार है। तो भाई साहब, एक जितेंद्र भाई साहब ऐसा रेट बताना जिसमें से चाहे बाद में एक पैसा कम मत करना, ताकि जो क्या फोन पर नहीं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ आने के बाद ही बताओगे? हाँ, बातचीत जो जचेगी बैठगी उसके बाद। अच्छा, जो बाहर यहाँ आके अपनी को भाई फेस देख के और बाद में भाई साहब कह रहे हैं कि बताएंगे, तो भाई साहब एक बार अपना फोन नंबर और बता दो। 94167 085665। एक नंबर और बताओ भाई साहब। 99 91 99 91 75 73 73। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड हो, मैंने भाई का नंबर दिया है, वो संपर्क करे। कंप्लीट एड्रेस मैं इस वीडियो में जो स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो काफ़ी शानदार, क्योंकि दो दांत में काफ़ी कम एज में बच्चा देती हैं, हाइट और लंबाई आपको वीडियो में भी दिख रही है, भाई की हाइट काफ़ी लंबी है, उस हिसाब से गाय आपको दिख रही है। आगे भी हम आपको एक से एक जो शानदार पशु दिखाएंगे, रेट भाई ने अभी ओपन नहीं किया, क्योंकि काफ़ी ये सोचते हैं कि जब तक डिलीवरी टाइम तक क्या पता पशु किस एंगल में बने, तो इनसे संपर्क करें। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, जो भाई देश विदेश से नए जुड़े हैं,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। जो भाई विदेशों में हैं वो हमारी वीडियोस देख के काफ़ी भाई फ़ोन करते हैं, उसके लिए मैं भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। वीडियो के लास्ट में सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।